everyone, this is me Munazza. Welcome to my YouTube channel. Today we are going with another lecture of electromagnetism on the topic Lenz law. कल हमने पढ़ा था फैराडे का लॉ, फर्स्ट लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया था और सेकेंड लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद आया था एक लॉ जिसको हम पढ़ते हैं लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जो कि फैराडे के सेकेंड लॉ को एम्फेसाइज करने के लिए आया था, जिसको हम आज पढ़ेंगे लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सबसे पहले तो जो बच्चे नए आए जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो हम उनको क्लियर कर देते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोडक्शन होता है ऑफ करंट का बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. जब आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, मतलब कब के वो वीक हो रही है या के कब वो स्ट्रांग हो रही है. तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, उसके बाद एक कंडक्टर में उसके जो नियर बाय कंडक्टर होगा जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. उस करंट के प्रोड्यूस होने को किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की होने की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा, उस हम फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ही एक लॉ आया था जिसको हम लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. सबसे पहले तो फैराडे के दो लॉ आए थे. सबसे पहला लॉ क्या हुआ था कि यही था कि जब करंट हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा. और उसके बाद क्या हुआ था, उनका फैराडे का जो माइकल फैराडे सेकंड लॉ क्या था, माइनस ये था सेकंड लॉ, ये ईएमएफ इसके बराबर होती है. तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कंडक्टर में वो किसके बराबर होगी, माइनस डेल्टा नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द मैग्नेटिक फलक से और उसके अपान डेल्टा टाइम. तो ये था सेकेंड लॉ फैराडे का. लेकिन उसमें जो माइनस साइन आई थी वो उसको पता नहीं था, माइकल फैराडे को उसकी कैलकुलेशंस में क्या हो रहा था, माइनस साइन आ रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये माइनस साइन आखिर आ क्यों रही है. तो उस माइनस साइन को बताने के लिए लेंजेस एक साइंटिस्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिसने लेंज लॉ बताया. किस क्यों बताया था, क्योंकि ये क्यों नेगेटिव साइन इस फार्मूले में क्यों आ रही थी. तो बेसिकली लेंज लॉ होता क्या है, उसने ये बताया था लेंज ने कि जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस हो रहा है ना, तो इंड्यूस करंट के अराउंड भी क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. हमें पता है कि हेंस ओरस्टेड ने और एम्पियर ने कहा था कि जब करंट कोई फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड भी एक वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से एक कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, तो जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड भी तो एक ना एक ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड होगी. वो जो मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड, एक जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है और करंट में से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो एक दूसरे को अपोज करेंगी. वो जो अपोज एक दूसरे को अपोज कर रही है ना, वही लॉ बता रहा है लेंज लॉ. तो वो माइनस साइन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की है, मतलब कि जो ये जो दो मैग्नेट फील्ड्स हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, उसकी वजह से ये माइनस साइन आ रहा है. तो क्या था कि जब कोई कंडक्टर हम ले लेते और ये क्या था, एक मैग्नेट, सही है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल. जब हम मैग्नेटिक इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, कभी क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स ज़्यादा हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, कभी क्या हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स इससे कम पास हो रही हैं. तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है वो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से इसमें आई जो करंट है वो फ्लो करना शुरू होगा. तो इसके अराउंड भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. तो वो क्या होगी, इस मैग्नेटिक एक दूसरे को वो क्या करेंगी, अपोज करेंगी. सही है, वो एक दूसरे को वो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करेंगी, अपोज करेंगी. लेकिन वो दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्यों अपोज करेंगी, क्योंकि वो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा ना, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा. जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो उसके अराउंड एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी
तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना शुरू करे अपोज करना शुरू कर जाएगा, जिसने उसको क्रिएट किया है, उस करंट को क्रिएट किया है उसको अपोज करेगा। वो क्यों हो रहा है? करंट की डायरेक्शन चेंज करने से। कैसे कैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है? या ये एक मतलब हम कोई भी आयरन कोर ले लेते हैं, ये क्या है? आयरन कोर है और ये क्या है? एक मैग्नेट है, नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, तो इसमें हम इसको क्वाइल को रख लेते हैं, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक बैटरी से। तो इसमें क्या कर रहा होगा? करंट फ्लो कर रहा होगा, ऑलरेडी कोई ना कोई करंट फ्लो करता है, लेकिन हम इसको नहीं भी रखते हैं, अगर बैटरी से अटैच नहीं भी करते तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड है। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो नॉर्थ है ना, इसका पोल हम इसको आगे ला रहे हैं, नॉर्थ पोल को ऐसे आगे ला रहे हैं। लेकिन अब जब मैग्नेटिक फील्ड को पहले ही हम आगे पीछे कर रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा ना होगा? इसमें होगा ना, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को आगे पीछे कर रहे हैं तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि वो जो करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो क्लॉकवाइज होगा। वो जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है जब हम मैग्नेटिक फील्ड को आगे पीछे कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। पहले अगर इसको क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को हम आगे ला रहे हैं, नॉर्थ को हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को हम आगे ला रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करना शुरू होगा। तो अपोज करने के लिए ये क्या करेगा? अपनी करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा। तो पहले ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, करंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब यह क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही हमें पता है कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो अपने अराउंड क्या बना लेता है? नॉर्थ पोल बना लेगा। तो ये क्या बना लेगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनाने की वजह से क्या हो रहा है? इसमें ये क्या करेगा? नॉर्थ पोल बना लेगा। और ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, मतलब कि ये क्या करेगा? इसको रिपेल करना शुरू होगा। मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड अपोज क्यों कर रही है उस मैग्नेटिक फील्ड को जिसने इसको क्रिएट कर रहा है? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोज डायरेक्शन जो है करंट की, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। डायरेक्शन करंट की चेंज होने से क्या हो रहा है? वो एक नॉर्थ पोल बना रहा है। नॉर्थ पोल के बनाने की वजह से वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। लेकिन हम एक दूसरा ले लेते हैं, हम इसको अगर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो लेंस लॉ हमें अच्छी तरह से डिफाइन हो जाएगा कि लेंस लॉ कहता क्या है और उसके क्या मतलब है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ये जो नॉर्थ पोल है वो सेम ही है, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो कर रहा है, सही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? नॉर्थ पोल ये बना रहा होगा, लेकिन ये नॉर्थ पोल बना रहा होगा, लेकिन हम इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। इस कंडक्टर से हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? अब जल्दी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। पहले उसकी क्या थी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज थी, अब वो क्या बना लेगा? क्लॉकवाइज। इसकी ये क्या कर रहा है? करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा जल्दी में। जल्दी में इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। तो वो क्या करेगा? अब नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो साउथ बना रहा है और उसको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकर रहा है। लेकिन जब पहले वो इसके करीब आ रहा था, नॉर्थ करीब आ रहा था, तो ये नॉर्थ बना के उसको दूर भगा रहा था, लेकिन ये अब खुद दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? साउथ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये क्या कर रहा है? करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करके क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। तो ये क्या था? लेंज लॉ के एक ये दो हो गए जो लेंज लॉ के होते हैं। और एक दूसरा भी होता है जब हम साउथ के बारे में, ये था नॉर्थ के बारे में। अगर हम मैग्नेट का साउथ वाला जो पोल है वो लेते तो उससे क्या होगा? लेकिन ये हम एक ही कॉइल ले लेते, ये हमने एक मैग्नेट लिया, ये साउथ और ये नॉर्थ हमने ले लिया।
इसमें जो डायरेक्शन फ्लो कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रही है। तो ये साउथ क्या कर रहा है, इसके करीब आ रहा है, साउथ साउथ उसके करीब आ रहा है। तो करंट क्या करेगा, जल्दी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। कैसे डायरेक्शन चेंज कर लेगा, जल्दी से वो क्या कर लेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लेगा अपनी। क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो गया तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे साउथ पोल बना लेगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे, मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अभी अपोज कर रहा है। लेकिन जब इसमें पहले क्या, अब दूसरा हम ले लेते कंडीशन, ये तो ये साउथ के लिहाज से दूसरा कंडीशन हो गया। तो इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, साउथ को दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने साउथ को दूर ले जाया, तो ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, जिसकी वजह से ये अपनी क्या एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो करना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना लेगा। और इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, इधर यहाँ की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। मतलब ये पहले करीब आ रहा था तो इसको ये दूर भगा रहा था, लेकिन वो खुद अब तो करीब जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड जो जिस मैग्नेटिक फील्ड से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने की वजह से इसमें एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इससे बना, जिसने इसको बनाया उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, सिर्फ इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उसकी डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से। तो ये था लेंज ला, जिसने बताया था कि फैराडे के सेकंड ला में जो माइनस साइन है उसको इंथेसाइज करने के लिए लेंज ने एक ला लिया था, जिसको हम लेंज ला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम पे पढ़ते थे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, कल हम पढ़ेंगे कि लेंज ला इज फॉलो करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।